नमस्कार, ये है चक्रव्यूह, आपका पसंदीदा कार्यक्रम, और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री। आपके पास उद्योग है, आपके पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, मुख्य संसदीय मंत्री हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपको लोग जानते हैं, एक पत्रकार के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि करियर की शुरुआत आपने पत्रकारिता से की और तेज तरार पत्रकार के तौर पर अपनी छवि बनाई। तो सवालों का सिलसिला हम यहीं से शुरू करते हैं। आप पत्रकार रहे, पत्रकार बनने के बाद आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी के करीब आए और फिर अब मंत्री बन गए। आप पे पहला आरोप ये है, क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं तो मीडिया को मैनेज बहुत करते हैं, अपने पक्ष में और सरकार के पक्ष में। ये तो मेरे पास विभाग है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री के नाते ये मेरा जिम्मा है कि सरकार की नीतियों को, कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाएं। और अगर ये आरोप है तो मैं समझता हूं मुझे स्वीकार भी करना चाहिए आरोप। लेकिन ये भी है कि आप इतना ज़्यादा मैनेज कर जाते हैं कि जब कोई मंत्री बयान नहीं देता, उनका नाम भी डाल देते हैं कि चलो इनका भी डाल दो, इन्होंने भी मुख्यमंत्री के फेवर में बयान दिया, और गाये बगाये वो कह देते हैं हमने तो बयान दिया नहीं, ये मुकेश जी ने डलवा दिया होगा। नहीं, ऐसा आरोप बीजेपी के लोग ज़रूर लगाते होंगे, लेकिन क्या आज दिन तक आपको कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश सरकार का मंत्री मिला जिसने खुद कहा हो कि मेरा नाम बयान में था और मैंने दिया नहीं? चुपके से कह जाते हैं। हमने तो हमेशा जो है मूल्यों की पत्रकारिता की और मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं, और लेकिन विभागीय मंत्री के नाते अखबारों को मॉनिटर करना, मीडिया को मॉनिटर करना या मैनेज भी करना, तो ये मेरा काम है और मैं ये करूँगा। तो ये जो मैनेजमेंट थी, ये जब चुनाव होने थे तब बहुत तगड़े तरीके से की जा रही थी, आपने ऐसे ऐसे जुमले दिए, हिमाचल प्रदेश ऑन सेल, स्टेट ऑन सेल, भट्ठा बैठ चुका है, और ये बेच दिया गया, वो बेच दिया गया। 4 साल हो गए, अभी तक कुछ हाथ तो लगा नहीं आपके, जो आप ढोल लेकर पीट रहे थे फट गया वो ढोल? ऐसा नहीं है कि हमने महज आरोप लगाए। दुनिया ने कागजात दिए, हिमाचल प्रदेश की जनता ने कागजात दिए। उस समय पूर्व सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यही था कि हिमाचल प्रदेश जो है उसकी बोली लग रही है, उसकी बिक्री हो रही है, ज़मीनें जो है गैर हिमाचलियों को बेची जा रही हैं, और उसको लेके एक चार्जशीट तैयार की गई और उसमें ये सारा विस्तृत तौर पे उसका उल्लेख था। तो जो मुद्दा जनता के सबसे नज़दीक था वो हिमाचल फॉर सेल था जी। और हमने एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे उस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया विधानसभा से। उठाया तो सही ना, लेकिन अब तो आपकी सरकार बन गई और अब तो सरकार कहें कि आखिरी दौर में है, तो वो जो मुद्दा आपने बनाया था वो जनता को नज़र तो आया नहीं, वो तो मुद्दा बनाया था आपने, कुर्सी उसके मार्फत हथिया ली और मुद्दा खत्म हो गया। सब मामलों पे जांच चल रही है, सब चीज़ें लॉजिकल एंड। कब होगी जांच? सब चीज़ें लॉजिकल एंड तक पहुँचेंगी। कब होगी जांच? अब तो सरकार जाने के कगार पे है। नहीं, सरकार नहीं जा रही है, सरकार तो रिपीट होने जा रही है। अच्छा, ये खबर है हमारे लिए, क्योंकि हमें तो जो खबरें मिल रही हैं, आपकी कांग्रेस में गुटबाजी इतनी हो गई है कि एक डपली तो मुख्यमंत्री साहब का गुट बजा रहा, एक डपली लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू घूम रहे हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी मुखालफत में सीएम साहब खुद बयान देते हैं कि यहाँ सचिव बना दिए, वो बना दिया। एक तरफ कौल सिंह जी कभी झंडा लेकर निकल पड़ते हैं, कभी जीएस बाली अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं। तो जब इतनी सारे कुक्स रहेंगे किसी डिश को बनाने में, तो मुझे तो नहीं लगता कि रिपीट होने के चांसेस हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रदेश में कोई कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। मुख्यमंत्री जी एक सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है हिमाचल प्रदेश के, वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं जिनका 54-55 साल का राजनीति का तजर्बा हो गया। मुख्यमंत्री जी को आप मान रहे हैं कि संस्थान बन चुके हैं? बिल्कुल। और हम मान रहे हैं उस संस्थान के आप प्रिंसिपल बन चुके हैं? नहीं, हम उनके सहयोगी हैं और कांग्रेस पार्टी के विधायक के नाते, कांग्रेस के मंत्री के नाते ये हमारा जिम्मा है कि मुख्यमंत्री जी को सहयोग किया जाए द्वारा सत्ता लाने के लिए। आप जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री संस्थान बन चुके हैं, हम आपको कह रहे हैं कि आप उसके प्रिंसिपल बन गए हैं, और प्रिंसिपल ऐसे हैं कि जो बाकी लेक्चरर्स हैं उसमें
जो उसी संस्थान में अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेने के लिए उनको पढ़ाने का काम करते हैं, उनकी प्रिंसिपल साहब कुछ सुनते नहीं हैं। और आप मुख्यमंत्री के इतने करीबी पहले थे कि आप पे आरोप ये लगता था कि ये बंदा पैराशूट से आ गया, यहाँ पे राजनीतिक अनुभव आपके पास था नहीं, और वो जो नज़दीकियाँ हैं उसका कहीं ना कहीं आप लाभ उठाते हैं। नहीं, अगर मुख्यमंत्री के नज़दीक होना कोई गुनाह है तो ये मैं गुनाह कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मैं पैराशूट से आया, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं एक जर्नलिस्ट था, पत्रकार था, वहाँ से मैं चला और मुझे कोई सामान्य व्यक्ति के खिलाफ तो चुनाव लड़ाया नहीं गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ा था और मैंने उनको डिफीट किया। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं पैराशूट से आया, तो कम से कम हमने क्रैश लैंडिंग तो नहीं की। हमने ये भी बता दिया कि अगर पत्रकार फील्ड में उतरेगा, और ये ज़रूरी नहीं है कि पत्रकार सिर्फ जो है नॉमिनेशन का पॉलिटिक्स करेगा, पत्रकार जीत सकता है जाके फील्ड में, ये हमने साबित किया है। लेकिन अब जो ये पत्रकार हमारे सामने बैठे हैं जो मंत्री बन चुके हैं, इन पे आरोप ये है कि हम आपकी बात मान लें कि पैराशूट से आए, क्रैश लैंडिंग नहीं हुई, लैंडिंग सेफ होगी, लेकिन वहाँ से ये पत्रकार फिर रॉकेट पकड़ के सीधा पहुँच गया 10 जनपद, आपकी वहाँ पे सुनने जाने लगी, और जो वरिष्ठ लोग थे कांग्रेस के उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जाने लगी। हमारा ये मानना है, दोनों बातें मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि हाई कमान के नज़दीक होना कोई गुनाह नहीं है, मुख्यमंत्री के नज़दीक होना कोई गुनाह नहीं है, और राजनीति में ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपकी हाई कमान, हमारी कांग्रेस पार्टी हाई कमान से भी चलती है, मुख्यमंत्री से चलती है, और अगर हम दोनों जगह सहयोग कर रहे हैं तो किसी को इसमें आपत्ति क्या है? हमने उनके नज़दीकी होने का या अपने प्रभाव से क्या किसी को नुकसान किया है? हमने तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हित में काम किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने कांग्रेस पार्टी के हित में कार्य किए, आपने मुख्यमंत्री के हित में कार्य किए। 4 साल हो गए हैं हिमाचल में आपकी सरकार बने, 4 कार्य आप बताएंगे जो आपने जनता के हित में किए हों? ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसमें विकास के जितने काम किए हैं वो रिकॉर्ड टूट गए हैं जी, सिर्फ देखने वाले को चश्मे की ज़रूरत है। रिकॉर्ड टूटे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार उन केसेस में उलझे हुए हैं, प्रदेश में जो विकास कार्य की जो गति होनी चाहिए वो गति इतनी धीमी धीमी तरीके से चल रही है कि कोई ट्रेन चल रही हो तो जैसे पैदल चलता आदमी उसको पकड़ ले। देखो, केंद्र में भाजपा की सरकार है और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जब वीरभद्र सिंह को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से नहीं हटा पाई तो उन्होंने रास्ता चुन लिया एजेंसीज़ का। अब साजिश षड्यंत्रों से हिमाचल प्रदेश की सरकार को डिसलॉज करने की लगातार कोशिश हो रही है, और आज से नहीं, पिछले 3 साल से लगातार यही कोशिश चल रही है। एक ही मामला, एक ही व्यक्ति, उसके खिलाफ आपने CBI भी डाल दी, उसके खिलाफ आपने ED भी डाल दी, उसके खिलाफ आपने इनकम टैक्स भी डाल दिया, और सिर्फ उनको ये मालूम है कि वीरभद्र सिंह इतना हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका इतना बड़ा स्थान है कि अगर कांग्रेस को नुकसान करना है तो उससे पहले वीरभद्र सिंह का नुकसान करना पड़ेगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, इसलिए वीरभद्र सिंह जो हैं वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अपनी शर्तों पे राज करता है। आला कमान जब यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने थे तब वो ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे यहाँ पे, लेकिन तब मुख्यमंत्री ने अपनी शर्तों पर यहाँ पे सरकार बनाई। आला कमान के साथ कोई ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं रही हैं वीरभद्र सिंह की, इस चीज़ को मानते हैं आप? ऐसा है, जो व्यक्ति 6 दफ़ा मुख्यमंत्री बना हो और उस पर आप ये आरोप लगाएं कि वो आला कमान के नज़दीक नहीं है तो मैं तो ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। और अगर 6 बार व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बना है तो आप क्या सोचते हैं कि वो बिना नज़दीकी से बन गया? ये अलग बात है कि कुछ लोग पोज करते होंगे कि हम ज़्यादा नज़दीक हैं, वीरभद्र सिंह नहीं है। जैसे कौन से लोग हो सकते हैं? नहीं, ये तो अब आप ज़्यादा जानते होंगे, आजकल आप प्रेस में हैं, मीडिया में हैं, लेकिन तो हमसे पहले प्रेस में रहे हैं। लेकिन वीरभद्र सिंह जी का हाईकमान से जो रिश्ता है उसके चलते ही वो लगातार बन रहे हैं। 2 बातें जरूरी होती हैं, एक व्यक्ति के पास हाईकमान का आशीर्वाद हो, दूसरा उनके पास जो है चुने हुए विधायकों का बहुमत हो। एक व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का 3-4 बार अध्यक्ष रहा हो, जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश का 6 दफ़ा मुख्यमंत्री रहा हो, जो केंद्र में मंत्री रहा हो, जिसने सारी उम्र जो है राजनीति में गुजारी हो, उसके लिए ये बात कहना कि वो हाईकमान के नज़दीक नहीं है
तो वो फिर कैसे प्रधान बनते, वो कैसे केंद्र में मंत्री बनते या वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते। चलिए, ये जो सवाल आपने उठाए हैं इनका जवाब भी हम चक्रव्यूह में लेंगे कि वो कैसे इतनी बार अध्यक्ष बने, कैसे मुख्यमंत्री बने, आलाकमान वीरभद्र सिंह से खुश हैं या नाराज़ हैं, और अब वीरभद्र सिंह के लिए जो आने वाला समय है ये कितना कठिन है या कितना आसान है, हर सवाल का जवाब हम लेंगे मुकेश अग्निहोत्री से। इसलिए आप कहीं मत जाइए, रिमोट को बिल्कुल हाथ मत लगाइए, क्योंकि हम यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। यह है आपका पसंदीदा कार्यक्रम चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में आज हमारे साथ हैं मुकेश अग्निहोत्री जी। मुकेश अग्निहोत्री जी, आप बड़े मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको माना जाता है क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं और मैनेजर के तौर पर मैनेज बहुत करते हैं, चाहे मीडिया को मैनेज करने की बात हो, विधानसभा को मैनेज बात करने की बात हो, या फिर अपने विरोधी भाजपा को मैनेज करने की बात हो, वहाँ के नेताओं के साथ भी सेटिंग ठीक कर लेते हैं आप। नहीं, मैंने आपको बताया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मेरे पास है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहता है? उसमें आप मीडिया की बात करते हैं, नेचुरली मैं मीडिया से पत्रकार के नाते भी मेरे रिश्ते अच्छे हैं, और डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के नाते भी मुझे उनसे बात करनी है, और सेकेंडली अगर मेरे पास संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा है तो विधानसभा चलाना मेरा कर्तव्य है, और उसमें विपक्ष के नेता या विपक्ष से बात करनी जरूरी है। तो अगर मैं उनसे बात करता हूं और सदन चलाने के हम प्रयास करते हैं कि ताली तो दोनों हाथ से बजेगी, पक्ष और विपक्ष जब दोनों सदन में बैठेंगे तभी विधानसभा चलेगी। अभी तो कुछ राजनीति ऐसे होती है कि जैसे केंद्र में भाजपा की सरकार है, आपके यहाँ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो CBI का जरका दे दो, वहाँ पर क्योंकि विपक्ष भाजपा का है तो उन्हें विजिलेंस की धमकी दे दो, तो इस तरीके की कुछ मैनेजमेंट होती है क्या? अब भाजपा ने तो केंद्र में सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं, अब हमें उसका अनुसरण थोड़ा नहीं करना है। जिस ढंग से दिल्ली की सरकार कर रही है, और एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका जिस ढंग से चुनी हुई सरकार को डिसलॉज करने के लिए आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो उसको उसकी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री जी अदालत में लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश में विकास के लिए जितनी ताकत मुख्यमंत्री जी ने झोंकी हुई है, 17-18 घंटे काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा कि विकास क्या हुआ, इस दफ़ा जो है कितने इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, चाहे वो शिक्षा के हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के हैं, चाहे वो SDM के ऑफिस हैं, चाहे तहसीलें हैं, और जो भी इंस्टीट्यूशंस चाहिए थे पूरे प्रदेश में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सारे इंस्टीट्यूशन खोले गए, भर्ती बड़े पैमाने पे भर्ती हो रही है, ने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, तो इससे बड़ा काम जो है कांग्रेस सरकार क्या कर सकती है? इससे बड़ा काम जो आप उद्योग मंत्री के तौर पर कर सकते थे वो काम तो आपने किया नहीं। हिमाचल प्रदेश में उद्योग भी ऐसे ही खुले थे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सब्सिडी मिल जाती है, टैक्स में राहत मिलती है, वो जो उद्योग खुले थे वो सारे अब भाग चुके हैं, खाली जो उनके डेरे हैं वहाँ पर वो है, और स्टैंप लगती है हिमाचल प्रदेश बद्दी की, मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होती है। ये आप पंजाब और हरियाणा की बोली बोल रहे हैं, और यहाँ तक ऐसा कतई नहीं है। कई जगह जो फार्मेसी की जो कंपनियां हैं साथ हिमाचल में चले, फार्मेसी में जहाँ पे बद्दी का निशान लगा होता है वो दवाइयां खरीदनी बंद कर दी है लोगों ने। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एशिया की 35% दवाइयां बद्दी में बन रही हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपकी सूचना के मुताबिक। और ये बातें सिर्फ हमारे पड़ोसी राज्य उठाते हैं, पैकेजिंग होती है, और बिल्कुल नहीं। आप मेरे साथ जो है दौरा करें, आप देखें कि कोई ऐसा घराना है हिंदुस्तान का, कोई ऐसा घराना है हिंदुस्तान का जो हिमाचल में नहीं है पिछले 4 साल? वो आपने सब्सिडी दी ना उनको? बिल्कुल नहीं है, सब्सिडी वाले दौर चले गए, यहाँ पे तीन का धारा बना लिया, सब्सिडी खाई और निकल लिया, सब्सिडी के दौर चले गए, 80 के दौर था ये, उसके 30-35 साल बाद का हिमाचल है। और उस हिमाचल में कितने उद्योग यहाँ से गए, आपको आइडिया है? कोई उद्योग हिमाचल से नहीं जा रहा है,
कोई उद्योग हिमाचल से नहीं जा रहा है, हिमाचल में उद्योग आ रहे हैं, बड़े से बड़े उद्योग आ रहे हैं। ऐसे कीजिएगा, जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी है उनका चार साल का, आज वर्धमान का 2500 करोड़ रुपए का कारोबार है, साल का बिजली का बिल बना के देख लेना, बिल्कुल उनका बिजली का बिल बना के देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कितने उद्योग जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। फील्ड में देखो, ये कह रहे हैं कितने बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में आई है, बिल मंगा के देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कितनी प्रोडक्शन हो रही है, बिजली का बिल कई गुना बढ़ गया है। ये बातें सिर्फ जो है पड़ोसी राज्य के लोग जो है कि एक छोटे प्रदेश के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये इनको आपको सिखाना चाहिए, आपके पास आते होंगे ये लोग भी। लेकिन हिमाचल आरोप आपका हरियाणा पे या पंजाब पे, चाहे ये कोई भी राज्य है, लेकिन हमारे पंजाब के साथ आपका खास द्वेष भी रहा है, क्योंकि जिस कंस्टिट्यूएंसी से आप आते हैं वहाँ पे जब आप इलेक्शन में खड़े होते हैं तो फिर बादल साहब और उनका परिवार आ जाता है, तो शायद इसलिए आप भी आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, वो अपनी पार्टी की तरफ से आते हैं, हर बार आते हैं, मेरे इलेक्शन में बादल साहब भी आते हैं, सुखवीर जी भी आते हैं, और सिद्धू जी भी आते थे, हेमा मालिनी जी भी आती हैं, सारे लोग आते हैं, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। हम विकास का पॉलिटिक्स करते हैं, कल्याण का पॉलिटिक्स करते हैं, गरीब की सेवा कर रहे हैं, अगर हम लगातार जीत रहे हैं, अगर लोग हमें लगातार वोट डाल रहे हैं, आखिर कुछ तो हम कर रहे होंगे, आखिर कुछ ना कुछ तो लोगों को हम परोस रहे होंगे। आपके जीतने की वजह बताऊं मैं, जो सबसे बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता है, आपकी जो दुनिया है वो आपकी कंस्टिट्यूएंसी हो गई है, सबसे ज्यादा जो काम करते हैं आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी पे करते हैं। नागरिकता घर से आरंभ होती है, जिसका घर ठीक नहीं है उसको बाहर भी कोई नहीं पूछता। अगर मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी, अगर आपकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी, इस समय मेरी कंस्टिट्यूएंसी हरोली है, पहले संतोखगढ़ ऊना, कि यही हिमाचल है, आप हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश का मंत्री मैं विभागीय मंत्री हूं, लेकिन अगर मैं चुनाव जीतूंगा वो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतूंगा। अगर मैं जिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी की थी, ऐसा नहीं है, हुड्डा जी हैं, चाहे अमरिंदर सिंह जी हैं, चाहे वीरभद्र सिंह जी हैं, ये बहुत बड़े बैनर हैं, मैं तो एक अदना सा मंत्री हूँ शुरू में, मैं तो एक अदना सा मंत्री हूँ, और उसके नाते मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतना, हर बार तो पत्रकार बैट लगाते हैं कि मुकेश इस दफा भी हारा, हर दफा उनको जो है पता लगता है कि नहीं, इस दफा भी जीत गया, फिर जीत गया, दोबारा जीत गया, तो इसलिए मुझे अपना घर सुरक्षित करना, और ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान का लेकिन जो कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स ना करता है। आप पे आरोप ये है कि आप बहुत ज्यादा अपने घर को ही सुरक्षित कर रहे हैं, और जो पड़ोस वाले घर सुरक्षित होगा तभी राजनीति का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारा हम पूरे हिमाचल प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो काम होने हैं वो कर रहे हैं, जितने बड़ा इंडस्ट्री को लेके उसका विस्तार करना है उसके लिए जितनी भी मीटिंग्स होनी है, हम आपके सामने इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए दिल्ली में भी गए, मुंबई में भी गए, अहमदाबाद में भी गए, बेंगलोर में भी, बिल्कुल आए, कितने बिल्कुल आए, हजारों करोड़ रुपए का निवेश हिमाचल प्रदेश में आया। और मैं चाहूंगा क्या किया, कौन सा निवेश थोड़ा सा बताइए विस्तार से, क्योंकि आपके जो हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले जितने भी हैं वो रो रहे हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लिए वो कह रहे कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा वापस, ऐसा है, पहले हर चीज का समय होता है, हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए हिमाचल प्रदेश को कुदरत जान लगा देते हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार घूम रही है कि हाइडल प्रोजेक्ट ले लो, आजकल खरीदने वाला नहीं है, आजकल मार्केटिंग का जमाना है, पहले जो है जैसे प्रोडक्ट बेचा करते थे, आजकल सरकारों को भी मार्केटिंग करनी पड़ रही है, आजकल प्रतिस्पर्धा चल रही है, पूरे देश में प्रतिस्पर्धा हो रही है। हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है टूरिज्म नहीं, हिमाचल सेब राज्य से भी जाना जाता है, हिमाचल पर्यटन राज्य से भी जाना जाता है, हिमाचल सीमेंट राज्य से भी जाना जाता है, हर चीज की पर्यटन का, हिमाचल प्रदेश की तो शाल, टोपी, मफलर, जुराबें, ये भी एक मार्केटिंग है, हिमाचल प्रदेश की नदियां, हिमाचल प्रदेश के पर्वत, हिमाचल प्रदेश के माउंटेन्स, ये सब टोपियां पहनाने का काम बखूबी हो रहा है, और वो आपके आरोप नहीं लगता जितनी भी सरकार टूरिज्म के लिए, प्रदेश की शान है, टूरिज्म के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, अभी तक कितने रोपवेज हमने किया, अगर मुंबई में हम गए थे, चल रहा है ना, टाटा जो है दो रोपवेज लगा रहे हैं, अभी धर्मशाला का रोपवे लग रहा है, शिमला का रोपवे लग रहा है, मनाली का रोपवे लग रहा है, बिजली महादेव का रोपवे लग रहा है, टूरिज्म जो चल रहा है अभी वो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में आके चंद फिल्में कर ली, जिसकी वजह से शिमला का नाम हो गया, मनाली तो का नाम हो गया, बॉलीवुड को तो अभी और आना चाहिए, कुदरत की वादियों में शूटिंग करने के लिए आपके डिपार्टमेंट्स जो इतने सारे हैं उनसे परमिशन लेने के लिए जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं उनकी एड़ियां घिस जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल विंडो से हिमाचल प्रदेश में काम हो रहा है, कोई आप कोई फिल्म वाला लाएं जिसको दिक्कत है, आप हमें बताएं कि उनको कोई ट्रबल आ रही है,
ये जो है हिमाचल के बारे में एडवर्स पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी करने वाले कुछ लोग हैं जो लगातार कर रहे हैं, तो आप उसको लेकिन पॉजिटिव पब्लिसिटी क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? हम कर रहे हैं, हम फुल फ्लेज जो है हमारा डिपार्टमेंट इसमें लगा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री खास तौर पे कि इंडस्ट्री एक भी इंडस्ट्री का प्लान हुआ हो। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हैं, अभी भी आ रही हैं, 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की नई इंडस्ट्री हिमाचल में आ रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमारे प्रदेशों की उठा के ले गए। हमने किसी प्रदेश की का कारखाना अपने यहाँ उठा के नहीं लेके गए हैं, हम इंडस्ट्री बाय इनविटेशन लगा रहे हैं, उनको जो है निवेश के लिए आमंत्रण दे रहे हैं। ये आज के दौर में ज़रूरी है, मार्केटिंग ज़रूरी है, अपनी स्टेट की मार्केटिंग ज़रूरी है, अपने डिपार्टमेंट की मार्केटिंग ज़रूरी है। अच्छा, एक जो हमें और जानकारी मिली है, आप ज़रूर कह लीजिएगा ये भी हमें मिसगाइड किया गया है, कि आपको संसद भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी जो कांग्रेस में आपके विरोधी हैं, लेकिन आप बड़ी चतुराई से अपनी कुर्सी बचा गए और हिमाचल में जमे रहे। आने वाले समय में दिल्ली की तरफ रुख करने का कोई इरादा? देखो, जो राजनीति है राज की नीति, संभव है कि कुछ लोगों को लगा होगा कि इनको दिल्ली भेज दें, कुछ को लगा होगा कि इनको शिमला में रखे छोड़ते हैं, तो मुझे तो किसी ने ये हुक्म नहीं दिया कि आप जाके पार्लियामेंट लड़ें, मुझे विधानसभा लड़ने का हुक्म हुआ था, मैंने विधानसभा लड़ी है और लगातार मैं लड़ रहा हूं, और उसी हिसाब से जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स कर रहा हूं, और अपने ज़िले को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जो जिम्मा मेरे को सौंपा गया है, चाहे वो इंडस्ट्री का जिम्मा है, चाहे वो मेरे पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे वो फूड का डिपार्टमेंट है, या सूचना का है, या संसदीय, जो भी जिम्मे मुझे दिए हैं मैं उनको निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपके जो दूसरे मंत्री हैं, साथीगण होंगे, उनको कहना कि एक तो जो पानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, वहाँ पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा कई महीने तक। जो पानी है वो कैसा पानी पी रहे थे वो मैं चैनल पे दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा। सीवरेज का पानी मिला वो आ रहा था, उससे निजात दिलाए, पानी आज भी नहीं आ रहा है। शिमला के लिए दूसरा पानी की बहुत बड़ी योजना बन रही है। जो बंदर हैं वो आतंकवादियों से ज्यादा टेरर फैला चुके हैं, एक उस पे भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि मुख्यमंत्री के आप करीबी हैं, ये वाला मुद्दा उनके सामने, बंदरों का मुद्दा जो है लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हालांकि प्रदेश सरकार ने इजाजत ले ली है। भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो क्या मतलब, आप ये कहेंगे, आपकी सरकार ये कहेगी कि बंदर मारिए और 300 रुपए ले जाइए, ये कैसी सरकार हुई? नहीं, उसमें लगातार कोशिश हो रही है, मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर्स बन रहे हैं, करोड़ों के लागत पे खा गए लोग उसको, करोड़ों आरोप लग रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे सेंटर्स बने हैं, लेकिन पहाड़ी प्रदेश है और पहले से वहाँ पे बंदर रहे हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर अमल किया जा रहा है। चलिए, बहरहाल ये चक्रव्यूह था, आपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे सवालात का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि जब पत्रकार भाई आगे बढ़ेगा तो पत्रकारों को खुशी होगी। बहरहाल ये चक्रव्यूह था, और चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में पूर्व में पत्रकार रहे मुकेश अग्निहोत्री जी कितना अंदर गए, कितने हमारे सवालात का जवाब इन्होंने चतुराई से दिया, क्योंकि पत्रकार रहे हैं तो हर चीज़ से इनको निकलना आता है, और कितना जो सवाल थे वो ईमानदारी से इन्होंने अपनी कमियों को स्वीकारा। इसका फैसला हमेशा की तरह हम नहीं बल्कि आप करेंगे, क्योंकि आप जनता है। बहरहाल आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ईटीवी पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।